हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम, जैसे अभी आप देख रहे हो कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी अभी जस्ट आई है, और उसके रिगार्डिंग हम आपसे वादा भी किए थे कि ऑनलाइन क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए मैं काफी मेहनत करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि चैप्टर वाइज आपको मिलेगा अध्यायवार, उसको लेके आपके सामने आया हूँ। और इससे फायदा ये मिलने वाला है आपको कि हम देख सकेंगे कि एग्जाम में जो यूपी ट्रिपल एससी संस्था है, ये कैसे क्वेश्चन पूछती है, और हमें उससे ये पता लग जाएगा कि आखिर हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस दिशा में होनी चाहिए और किस लेवल तक पढ़ना है। क्योंकि अभी तक जो आयोग कराता था ये पेपर, उसमें मैथ्स का बहुत ज्यादा वेटेज था नहीं, लेकिन अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर में आने के बाद इस एग्जाम का, और तमाम परीक्षाएं जैसे मंडी परिषद भी लगी हुई हैं, अभी अभी पेपर हुआ था युवा कल्याण का, उसमें भी हम देखे थे, तो इन सब में हमें ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है कि एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पिछली परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चंस दे रहे हैं, ताकि हम उसे एकदम सही से, एकदम जजमेंट करके, सही रणनीति बना के हम अपनी तैयारी कर सके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके साथ साथ ही कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट, कितना कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, उसके लिए क्या ट्रिक होना चाहिए, कैसे सरलतम वे में कम से कम समय लेके और एक्यूरेसी के साथ हम आगे बढ़ें, ताकि इस पोर्शन से आपका नंबर हमेशा अच्छा उठे। तो दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखता जाएगा, और आप उसके साथ जैसे आप क्वेश्चन पहले पढ़िए, फिर जो मैं साथ साथ क्वेश्चन बोलता भी रहूंगा, और हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे लगे और उसका बेहतर बेहतर तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन को लगाने का। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, जो कि है, क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक टेलीविजन की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि वह अपने मूल कीमत पे आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टेलीविजन, कोई टीवी है, उसकी जो कीमत है वो 25% बढ़ा दी गई है, अब हमें उसे फिर से घटा के लाना है ताकि वो अपने मूल कीमत, यानी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी, पहले की प्राइस थी, उस पे आ जाए। तो इसे करने का तरीका देखते हैं। दोस्तों, बहुत सारी किताबें और बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरीका बताते होंगे, लेकिन हम इसे सबसे सरल तरीका देखते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई चीज अगर 25% बढ़ी है तो वो कहां से बढ़ी है। एक तो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और ये प्रतिशत के चैप्टर में आप डिटेल में भी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, उस पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी मैं बताया हूं कि प्रतिशत पूरे चैप्टर में किसी भी चीज को हम 100% मानते हैं। अब अगर पहले टेलीविजन की कीमत 100% थी और 25% बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो अगर पहले कीमत 100 थी तो अभी कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, यानी कि मैं सीधा बोलूंगा अभी हो गया है 125, कहां से, 100 से, है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये 25% बढ़ गई है। अब आपको जब आप यहां से यहां आए तब बढ़ गई, फिर से वो यहां से यहां आने को कह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन लगाने को के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज को पलट देंगे और यहां पे ये 100 लिख देंगे, जो 100 125 लिखा है उसे 125 और 100 कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस इसके इसके बीच का अंतर देख लेना है कितना है, 25, और नीचे हमेशा ये वाली वैल्यू कर देंगे, तो 25/125 × 100, यानी कि 1/5, कहने का मतलब 20% हमें कम करना पड़ेगा। किसी भी टेलीविजन का अगर 25% दाम बढ़ गया है तो मूल पे लाने के लिए हम उसे 20% उसकी प्राइस घटा देंगे, ताकि ओरिजिनल प्राइस हमें मिल जाए। तो देखो, यहां पे वो 25% का इंक्रीमेंट था और यहां पे ये 20% का डिक्रीमेंट था। ये हुआ क्यों, क्योंकि जब हम 25% बोल रहे थे तो इसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे, और जब हमारा 20% आया है तो इसके रेस्पेक्ट में है। 100 से 125, और वहां से 125 से फिर से 100 लेके आना है, जिसके कारण हमारा परसेंटेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं। जैसे कहता है कभी कभी आपसे कि मान लो ए है और बी है, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है। समझने की कोशिश करना, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है,
हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हमें सारा फोकस होना चाहिए ज्यादा या कम पे। ज्यादा है कितना, 20%। तो हम सीधा अगर 20% ज्यादा होगा कहां से, 100% से, तो कितना हो जाएगा, 120। हम इधर लिख लेंगे 100 और फिर इसे पलट देंगे 120 और 100, अंतर कितना आएगा 20, और नीचे हमेशा ये वाली वैल्यू 120 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 1/6। अगर आप इसे काटेंगे तो 100/6 यानी 16 सही 2/3%, ये आपका उत्तर आएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ए की हाइट बी की हाइट से, ए बी से कितना परसेंट ऊंचा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम ऊंचा है या नीचा है, ऐसा क्वेश्चन बनता रहता है। और यूपी ट्रिपल एससी में नहीं, विभिन्न एग्जाम में, अभी तक आप रिकॉर्ड देख लें, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और इसीलिए ऐसा हमें सीखना बहुत जरूरी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बस समझिएगा कि जो भी ज्यादा या कम हो रहा है। अभी इसी में बोलता कि अगर टीवी की कीमत 20% कम हो गई है तो 100 से 20 कम होके कहां आ जाती, 80 आ जाती। यानी कि हम इधर 100 लिखेंगे, इसे 80, फिर से इसे 80 पलट के 100 करते, क्वेश्चन आपसे पूछता कि कितना कीमत बढ़ा दी जाए, कितने प्रतिशत कीमत बढ़ा दी जाए कि वो अपने मूल कीमत पे आ जाए। तो देखियो अंतर कितना है 20 का, कहां से, 80 से गुणे 100, यानी कि 1/4 गुणे 100 हम बोल सकते हैं 25%। अगर 20% कम हुई थी तो हमें फिर से मूल कीमत पाने के लिए 25% हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ये लगते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में आपसे पूछा गया किसी वर्ष, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। अभी क्या हुआ, अभी प्याज की कीमत 10% कम हो गई है, तो अगर प्याज की कीमत 10% कम हो गई है तो अभी गृहिणी चाहती है कि जो कुल खर्चा कर रही थी वो अभी भी खर्चा उसका वही रहे, तो किसी चीज का दाम कम हो गया है तो जाहिर सी बात है आप उसका उपभोग बढ़ा दो, है ना। किसी चीज का दाम ज्यादा हो जाएगा तो उसी खर्चे में आपको उपभोग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे लगेगा। फिर से कॉन्सेप्ट यही है, अभी बस बात केवल लैंग्वेज की है, भाषा बदल दिया है, वहां पे टेलीविजन था और यहाँ पे प्याज है, और प्याज बोल रहा है कि 10% कम हो गया है, और अगर प्याज 10% कम हो गया तो 100 से 10 कम होके कहाँ आएगा, 90 पे आएगा। पहले कितना था, 100 था, अभी कितना हो गया है, 90, यानी 100 से 90। हमें आंसर निकालने के लिए इसी को पलट देंगे, 90 और 100 कर देंगे, अंतर कितना है 10 का, नीचे हमेशा 90 गुणे 100, यानी कि 100/9, या हम इसे अगर कट करेंगे तो आएगा 11 सही 1/9%, ये आपका उत्तर होगा। तो ऐसे विभिन्न सवाल जो भी आपके परीक्षाओं में पूछते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके आने वाले परीक्षाओं में, जैसे मंडी परिषद है, लोअर पीसीएस है, इसमें आपसे फिर से इसी टाइप का पूछे, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एकदम कि कैसे ये लगेगा, आप इस पैटर्न पे लगाओगे तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा और उत्तर एकदम सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें एकदम नहीं छोड़ने हैं, एकदम नहीं, क्योंकि ये सबसे कम समय लेता है, सबसे कम समय में और सबसे सर्टेन आंसर देता है। अभी अगर हम और क्वेश्चन की बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी में कैसा होगा, तो हम देखते हैं कि कैसे और भी प्रकार के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछे जाते हैं।